गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे रेप्टिलिया क्लास। मैमल्स को हम वो कॉर्डेटा को हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था पांच क्लासेस में, ठीक है। पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल, तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ रहे थे और आज हमें डिस्कस करना है रेप्टिलिया। तो आपको बता दें, जिस तरीके से टेरिडोफाइटा को हमने फर्स्ट लैंड प्लांट कंसिडर किया था और हमने रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स थे जो फर्स्ट लैंड एनिमल थे और वो लैंड के ऊपर इंडिपेंडेंटली ग्रो भी कर सकते थे और रिप्रोड्यूस भी कर सकते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और अपना नंबर इंक्रीज भी कर सकते थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इनके पास जो एग थे उसमें दो चीज़ थी, एक तो एमनियोटिक एग्स थे और उसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रॉन्ग कवरिंग थी, यानी जो लैंड के ऊपर भी सरवाइव कर सकते थे, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल कवरिंग नहीं थी जिसकी वजह से वाटर में वो करना पड़े। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स का मतलब चार पैर वाले थे, फोर लेग्स प्रेजेंट थे या लेग लाइक अपेंडिजेस प्रेजेंट थे। इसका जो नाम है, जो रेप्टिलिया नेम है, वो हमें ये शो करता है कि इसके पास एबिलिटी है टू क्रॉल और क्रीप, ठीक है, क्योंकि ये मोड ऑफ लोकोमोशन को शो करता है। लैटिन में रेप्री और रेप्टम का मतलब होता है क्रॉल या क्रीप करना। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और इनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। जो स्किन है वो कवर्ड होते हैं विथ स्कूटूस एंड स्केल्स। बहुत हाई लेवल ऑफ केराटिन होता है। हाई लेवल ऑफ केराटिन की वजह से जो स्किन है वो ड्राई रह पाती है, क्योंकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है थ्रू स्किन। ग्लैंड्स जो हैं स्किन के ऊपर, कोई भी, जैसे हमारे स्किन पे स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कोई ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। स्नेक और लिजर्ड जो हैं वो अपनी स्किन को और स्केल्स को शेड ऑफ करते रहते हैं। आप देखते हैं स्नेक अपनी पूरी स्किन को रिमूव कर जाता है। उसके बाद इन्हें टेट्रापॉड्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनके पास चार पैर प्रेजेंट होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, वॉर्म लिजर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर लेग्स जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंसेस्टर जो होंगे वो टेट्रापॉड होंगे, फोर लेग्स को यूज़ करते होंगे फॉर मूवमेंट्स। जैसे एम्फीबियंस के एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स होती है, ऐसे रेप्टाइल्स में कहीं पे भी गिल्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं बर्थ से ही, ठीक है। हमेशा दो लंग्स होते हैं, पर कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक्स हैं उनके पास सिंगल लंग्स भी होते हैं। इनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होते हैं, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, बट जो क्रोकोडाइल है, सिर्फ क्रोकोडाइल याद रखना, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, टू एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, जैसे मैमल और बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास कोई एक्सटर्नल हेयर ओपनिंग नहीं होती, टाइपेनम जो होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पहले एनिमल्स थे जिनने लैंड पे एग ले करना शुरू किया और वाटर में ले नहीं करते थे। इनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी जो एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, इसीलिए ये वाटर के बिना सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो हैं वो एग ले करते हैं, पर कुछ एक आधे हैं जो यंग वंस को बर्थ भी कहते हैं देते हैं, ठीक है। रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो मेल है वो अपने गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर डालेगा। उसके बाद कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। एग्जाम्पल स्फेंडोन, वेरनस, ड्रैको, ये सब एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स के। उसके बाद बात कर लेते हैं एव्स की। तो एव्स में आपको बता दें, यूजुअली स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, यानी एस शेप्ड बॉडी होती है, ताकि ये एयर के अंदर
फ्लाई कर सके इजीली, एयर करंट इन्हें रोके नहीं। तो फॉर द एयर एडेप्टेशन, फ्लाइट के एडेप्टेशन के लिए स्पिंडल शेप बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, कहीं पर टेल पे आपको ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट हो सकते हैं। मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है। जैसे विंग्स हैं, फेदर्स प्रेजेंट हैं, और जो फोर लिम्स हैं, जो आगे की तरफ लिम्स प्रेजेंट होती है, वो विंग्स में मॉडिफाइड होती है। प्रेजेंस ऑफ फेदर होना ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का, ठीक है। इनके जो बोन्स हैं जो हैं वो बाहर से बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं, यानी एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। इसे न्यूमैटिक बोलते हैं। इस स्केलेटन या बोन्स की वजह से ही वो बहुत लाइट वेट होते हैं और फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स यूज़ करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट के लिए आपके पास दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर टूथलेस हैं। एक बर्ड था जो रेप्टाइल और इनके बीच में हमें कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में मिला था, उसमें टूथ प्रेजेंट थे। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिक किडनीज को यूज़ करते हैं। कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, और यूरिक एसिड जो है उसे नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोल्ड ब्लडेड होगा तो एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर चेंज करेगा, बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा। अगर वार्म ब्लडेड है तो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। सेक्सेस सेपरेट रहती है। फीमेल के अंदर सिर्फ एक ओवरी और एक ओविडक्ट ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ कुछ मेल्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट रहती है, यानी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवी पेरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं, ठीक है। ये भी एमनियोटिक एग ले करते हैं, पर इनके एग में योक कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख ले, क्रोवस, कोलम्बो, और आपके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं आप प्लीज़ उन्हें याद करें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.